कृषि मंत्री और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कृषि से जुड़े विभाग का रोडमैप बनाने की मांग की है। तालाब डैम सिंचाई का मुद्दा उन्होंने उठाया है। और झारखंड बनने के बाद में जब हम लोगों ने रघुवर जी की सरकार में रोडमैप हम लोग बनाने का काम किए थे, जिसके तहत 5 एकड़ से नीचे के तालाबों का जीर्णोद्धार एग्रीकल्चर विभाग करती थी, 5 एकड़ से ज्यादा के तालाबों का जीर्णोद्धार जो है इरीगेशन विभाग करती थी। तालाब बियर बनते थे, चेक डैम बनते थे, लेकिन इस बार आज जो जनसंसाधन विभाग के एजुकेशन विभाग के जो बजट आए हैं उसमें आप देखें तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। सिर्फ ये लिखा गया है कि 2019-20 में जो काम हुआ वो उसको हम पूरा करेंगे, उसको तो 2021 में भी सरकार ने 2021 के बजट में भी उसी को पूरा करने का ही उन्होंने प्रावधान रखा था। 2021-22 में भी कोई नया प्रावधान नहीं किया, ना एक भी चेक डैम नहीं बनेंगे, बियर नहीं बनेंगे, बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं होगा, किसान खेतों में पानी नहीं जाएगा। वहीं बड़े बड़े डैम और जलाशय की बात करें, मनरेगा से लाखों डोभा बनाए गए, आज भी उस डोभा में कल भी सदन में बात आई थी 30 रुपया का मछली का जीरा डालते हैं किसान और 1 लाख रुपया का मछली उसे निकालने का काम